गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सब कैसे हैं? और अभी सुबह हो गई है हमारे गोलू मोलू की, तो उसको मैं थोड़ा सा लाड लड़ा रही हूँ और वो जल्दी से उठ जाता है। अगर मैं उसको प्यार करूँ ना तो तुरंत उठ जाता है। अब मैंने उसको उठा दिया है, वो थोड़ी देर बैठा है, तो फिर मैं इधर ना झाड़ू पोछा और उसके कुछ बर्तन हैं वो सारे धो धा के फिर मैं उसको फिर भोग लगा दूंगी। मतलब सुबह सुबह जल्दी जल्दी उसका पूजा हो जाएगा, आई मीन सेवा लग जाएगा। और इतना अच्छा लग रहा है ना कि ही बोलूँ मैं। मतलब सुबह सुबह प्रियतम जल्दी उठ गया आज, और मैंने सारे बर्तन अभी फटाफट से वॉश करना शुरू कर दिया। और अभी फिर मुझे ना दीदी के घर में भी जाना है, दीदी के घर में थोड़ा काम है, तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे जाना है। और ये वाला ड्रेस देखो कितना प्यारा लग रहा है प्रियतम का, मैंने बनाया। और अब तो माधव उठ गया है, तो इस बीच फिर मैंने सारे बिस्तर जो है वो भी साफ़ कर दिए हैं। और मेरा जो रूम है ना बहुत प्यारा दिखता है इस लाइट की वजह से। मतलब वो लाइट मैंने जब कर्टन के पास लगाया ना बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अच्छे से लगा नहीं क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में लगाया। और मैं ना फिर उसको अच्छे से उतार के फिर मैं लगा दूंगी। और देखो आज ना मैंने ये वाला बेडशीट क्योंकि बिछाया, मेरे को बहुत मन कर रहा था कि इस टाइप का कुछ बेडशीट बिछाऊं। माधव उठ गया है, उठने के बाद इसकी शैतानी शुरू हो गई है। और अभी जो है ना हम लोग दीदी के घर पे जाने वाले हैं, तो इस वजह से वहाँ पे एक छोटा सा बेबी है जो हमारा नाती है, तो ये मैंने लिया है उसके लिए प्यारा सा एक ड्रेस। और मैंने ना मतलब जैसे कि सुबह ना ठंड पड़ जाती है, गांव में रहता है तो इसलिए ठंड पड़ जाती है गांव में जल्दी, तो इस वजह से मैंने लंबा वाला दिया है। और ये दिया है मैंने चूड़ी, बहुत प्यारा सा है। तो आप चलो नेक्स्ट, अभी मुझे भूख लग गई है, अभी पीते हैं चाय। तो अभी तक ना मतलब मैंने चाय नहीं पिया, तो अभी चाय पी रही हूँ। माधव भी अभी चाय के साथ आई मीन समोसा के साथ फ़ोन अपना फ़ोन एंजॉय कर रहा है, और मैं यही पहन के जाने वाली हूँ। और देखो माधव कितना परेशान करता है, खाली शैतानी करता रहता है सारा दिन, उसको शैतानी करने के लिए दो। और बहुत लड़ाई झगड़ा भी करता है बहुत ही ज़्यादा, जब हम उसका डायपर खोल देते हैं ना तो वो बहुत झगड़ा बहुत लड़ाई करता है मेरे साथ, क्योंकि उसको पता है कि पैंट में सुसु करूँगा तो पैंट गीला हो जाएगा लेकिन डायपर में नहीं होगा, तो इसलिए ना वो डायपर बहुत अच्छे से पहनता है, लेकिन गाइस पैंट कभी पहनना नहीं चाहता। और चलो अभी हम चल पड़े हैं दीदी के घर में। मैं ना पीछे बैठ जाती हूँ इसलिए कि माधव को मुझे पकड़ना ना पड़े, लेकिन माधव तो पीछे चला आता है उसके चाचा की गोद से, बहुत ही बुरा लगता है तब। और देखो मैंने काफ़ी सारे चीज़ खरीद लिए हैं, तो उनके घर में ना छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से मुझे लेना पड़ा। और माधव भी है, माधव को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और आप सबके साथ मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।